अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मेरा रमज़ान सीरीज़। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पेशावरी स्टाइल में शामी कबाब। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1.5 किलो का खीमा, मटन खीमा, बीफ खीमा, आप कोई भी खीमा ले सकते हो। तो उसके साथ हमें चाहिए 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1.5 टेबलस्पून हमें चाहिए धनिया, हक्की धनिया, 4 से 5 हमें चाहिए हक्की मिर्ची, 2 से 3 तेज़पत्ते चाहिए, 1 अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 हमें चाहिए लहसुन, 3 ये मिर्ची तिखी है इसलिए मैं 3 ही ले रही हूँ, और 1 टीस्पून हमें चाहिए काली मिरी, हक्की काली मिरी, और 5 से 6 हमें चाहिए लौंग, और 3 से 4 हमें चाहिए इलायची, छोटी इलायची, और 2 छोटे टुकड़े हमें चाहिए दालचीनी के। ये सब चीज़ों को हमें वो खीमे में डाल देना है, पर सबसे पहले हमें खीमे को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है, उसका सारा पानी ड्रेन कर लेना है, फिर उसके अंदर हम ये सब डाल देंगे मसाले, और हमें अदरक को टुकड़े में काट के डालना है, और फिर हम डाल देंगे उसके अंदर नमक। नमक डालने के बाद उसको एक अच्छे से मिक्स करके हमें उसको हाई फ्लेम पे गैस पे रख देना है पकने के लिए। हमें इसको कब तक पकाना है, हमें जब उसको तब तक पकाना है जब खीमा अच्छी तरीके से पक जाता है और उसके सारा का सारा पानी इसमें सूख जाता है। हमें इसके अंदर बस 2 टेबलस्पून जितना हमें एक्स्ट्रा पानी डालना है, बस उसके अलावा और कुछ पानी नहीं डालना है, उसको बस उसके पानी में ही पकने देना है। बीच में 5 मिनट के लिए आपको मीडियम फ्लेम पर रखना है, फिर 5 मिनट के बाद उसको उसको हाई फ्लेम पर करके उसका पानी सारा का सारा सुखा देना है। आप देख सकते हो यहाँ पे सारा का सारा पानी सूख चुका है, हमारे सारे मसाले अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। अगर आपको लगता है कि आपका खीमा नहीं पका और पानी सूख गया तो आप उसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड कर सकते हो, बट पानी अच्छी तरीके से सुखा लेना। जब ये सूख जाएगा हमें उसको अच्छी तरीके से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हमें मिक्सी जार लेना है, मिक्सी जार में हमें वो सारा का सारा मिक्सचर डाल देना है और उसको एक पेस्ट बना देना है। पेस्ट यानी पानी डाल के नहीं बनाना है, हमें उसको ऐसे ही पीसना है, यानी वो सारा का सारा जो हमारा खड़े मसाले वो सब पीस जाए, खीमा पीस जाए। आप देख सकते हो आप लोग कितनी अच्छी तरीके से ये पेस्ट बन गया है, बस ऐसे ही हमें इसको पेस्ट करना है। और फिर उसके अंदर मैं डाल दूंगी 1.5 छोटे कांदे, उसको एकदम ऑमलेट जैसा हम बारीक चॉप करते हैं वैसे एकदम बारीक से बारीक चॉप करना है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून 1 से 1.5 टेबलस्पून कोथमीर, 1 से 1.5 टेबलस्पून पुदीना, ये दोनों को भी हमें डाल देना है। अगर आपको तीखा ज़्यादा चाहिए तो आप ये स्टेज पे बारीक काट के मिर्ची भी डाल सकते हो, और हमें 1/2 नींबू डाल देना है उसके अंदर। हमें इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से, आप देख सकते हो बैटर बहुत अच्छा बना है, और फिर हमें उसको ढककर रख देना है। अगर आपको चाहिए तो आप तभी की तभी बना सकते हो, पर जब आप जब भी बनाने जाओगे उसके अंदर हमें डाल देना है 1 अंडा। आप लोग को चाहिए तो आप लोग अंडा इसमें भी डाल सकते हो, और या तो आप लोग पेटीज बना के आप अंडे में डिप करके भी फ्राई कर सकते हो, बट मैं डायरेक्टली उसके अंदर अंडा डाल के फ्राई करती हूँ, उससे उसका टेक्सचर भी अच्छा हो जाता है और टेस्ट में भी अच्छा लगता है, तो आप लोग वैसे भी कर सकते हो। फिर मैंने इसको डीप फ्राई किया, आप शैलो फ्राई भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, अगर आपको कम तेल चाहिए तो आप शैलो फ्राई भी कर सकते हो उसको। तो यहाँ मैंने उसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया, तो यहाँ हमारा तैयार हो जाएगा शामी कबाब। आप और ये शामी कबाब बहुत डेलिकेट होता है, तो उसको बड़े ही अच्छी तरीके से आप हैंडल करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी टूट भी जाता है, तो इसलिए धीरे धीरे इसको छन्नी में निकालिएगा चम्मच की मदद से। तो यह तैयार हो गया हमारा शामी कबाब, आप उसको अच्छी तरीके से नान के साथ, पराठे के साथ, आप किसके साथ भी उसको सर्व कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, आप लोग ज़रूर मुझे बताना कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी, ये झटपट बन जाने वाली शामी कबाब। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID। अल्लाह हाफिज़।